अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड केक। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये केक बन के तैयार हो जाता है। ना ही हम इसमें किसी अंडे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही एसेंस का, और विदाउट ओवन हम इस केक को तैयार करेंगे और बिल्कुल मार्केट के जैसा ये केक बन के तैयार होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस ईजी से केक को। कस्टर्ड केक बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप मिल्क, और मिल्क जो है ठंडा होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ किया है। इसके बाद हम कस्टर्ड पाउडर को मिल्क में अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पे ठंडा ही दूध यूज़ करें। अगर आप गर्म दूध यूज़ करेंगे तो कस्टर्ड पाउडर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, उसमें लम्स रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे साइड में रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम जो है केक मोल्ड ले लेंगे और उसको जो है ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे मैदा, और मैदा ऐड करके इसे अच्छे से कोट कर लें केक मोल्ड को। हर तरफ से इस तरीके से कोट कर लेना है। ऐसा करने से जो है केक बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाता है, और ये स्टेप आपको पहले करके रखना है बैटर बनाने से पहले। तो यहाँ पे मैंने टिन तैयार कर ली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप ऑयल, और यहाँ पर आप ऑयल की जगह बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पाउडर शुगर। आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लें, एक विस्क की हेल्प से इन्हें अच्छे से बीट कर लेना है, जब तक ऑयल और शुगर का मिक्सचर जो है वो लाइट एंड फ्लफी सा ना हो जाए। तो इस तरीके से हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे बीट करते रहेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए इसे बीट करते हुए, और आप देख सकते हैं एकदम फ्लफी सा हो गया है। इसके बाद हम एक स्ट्रेनर रख देंगे इसके ऊपर। अब हमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है सीव कर लेना है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप मैदा। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लें। अब एक स्पैचुला की हेल्प से इसे हल्का सा मिक्स कर लें, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क और कस्टर्ड का मिक्सचर जो हमने स्टार्टिंग में तैयार किया था। थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करें और इसे मिक्स करते जाएं। हमें एक साथ इसमें बैटर नहीं पोर करना है, हम थोड़ा थोड़ा पोर करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें इसकी एक जो है स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं इसमें डालती जाऊँगी और मिक्स करती रहूँगी। अब हम एक स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है, उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे बैटर बहुत ज़्यादा थिक लगे तो आप थोड़ा सा मिल्क उसमें ऐड कर सकते हैं और उसे पतला कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से बीट हो गया, एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है। हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसमें एंड में ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं जो है ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचा ली। इसे ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और यहाँ पे हमारा केक का बैटर एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम सारे बैटर को जो है इसमें पोर कर देंगे, और यहाँ पे मैं जो केक टिन यूज़ कर रही हूँ ये 24 सेंटीमीटर का है। इसे ऐड करने के बाद टिन को हम 2 से 3 बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर हो वो सब रिमूव हो जाए। और इसके बाद हम इसे फाइनली गार्निश कर देंगे नट्स और रिमेनिंग टूटी फ्रूटी से। नट्स पे मैंने यहाँ पे लिया है एलमंड, कैश्यूज और पिस्टैशियोज। ये टोटली ऑप्शनल है, मगर इसे डालने से केक में बहुत अच्छा लुक आता है। तो हमारा केक का बैटर रेडी हो चुका है, अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन को मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें अपने मोल्ड को रख देंगे और इसे कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो चलिए अब 40 मिनट के बाद हम केक को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 45 मिनट्स हो गए, अब हम ओपन करके केक को चेक कर लेते हैं। तो कोई भी नाइफ या फिर टूथपिक लेके सेंटर में इंसर्ट करके देख लें, अगर वो क्लीन आए तो उसका मतलब केक बेक हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है ये।
तो आप अपने इसमें से केक को निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने केक को निकाल लिया है, अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसे डीमोल्ड करेंगे और कट करेंगे। ठंडा होने के बाद नाइफ की हेल्प से इसकी एजेस को थोड़ा सा लूज़ कर लें और इसके बाद अब मैं केक टिन को ओपन करके इसे डीमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। और अब प्लेट लगा के हम इस केक को डीमोल्ड कर लेंगे और आप देखिएगा मैदा लगाने की वजह से कितनी आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। देखिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अब मैं जो है आपको केक को पलट के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये केक बन के तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट स्पंजी ये बना है और कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के तैयार हो गया। यहाँ पे मैं एक पीस कट करके आपको उसका टेक्सचर दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर खुद ही चेक कर लीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट एंड फ्लफी ये बना है, एकदम मार्केट में जैसे केक बनते हैं इसका टेक्सचर एकदम वैसे ही है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी ईजी ये रेसिपी है, कितने बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये केक तैयार हो गया है जो घर में आमतौर पर मौजूद होते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मैं इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।